नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूँ आपके साथ दीक्षा बांगी और आज हम आए हैं टी गोयनका पब्लिक स्कूल, जहाँ पर होने वाला है टेनिस चैंपियनशिप लीग। तो हम सर से जानेंगे इस चैंपियनशिप लीग के बारे में। सर, ये कब से स्टार्ट हुआ है टेनिस चैंपियनशिप? ये टेनिस चैंपियनशिप लीग दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। पहला हिस्सा ऑक्शन का रहेगा जो 20 तारीख को किया जाएगा, और उसके बाद में 4 दिन मैचेस किए जाएंगे जो 23, 24, 25 और 26 ऑफ अप्रैल को खेले जाएंगे। इसमें कहां-कहां से पार्टिसिपेट करते हैं? इसके अंदर जो बच्चे हैं उनका ताल्लुक अलग अलग जगहों से, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे, पूना, मगर वो मेनली खेलते इंदौर में ही है। तो ये वो बच्चे हैं जो इंदौर में खेलते हैं या इंदौर के हैं, और वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। नहीं, इस तरह का टूर्नामेंट ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जिसमें बच्चे रहेंगे और वो अपनी टीम्स बनाएंगे और उन टीम्स का एक दूसरे के साथ मुकाबला होगा और फिर आखिर के अंदर जाकर कोई एक बड़ी टीम जीत कर बाहर आएगी। इस चैंपियनशिप के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। इस चैंपियनशिप के अंदर टॉप प्लेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेल रहे हैं बच्चे, वो भी मौजूद हैं, और इसमें वो भी बच्चे मौजूद हैं जो बहुत छोटे हैं और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर खेलते हैं। इसमें टोटल 88 किड्स का पार्टिसिपेशन है, जिसमें 4 टीम्स को अलग अलग अपनी टीम्स बनाने के लिए 22 प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना होगा। हर टीम ओनर के पास में एक स्ट्रेटजिस्ट दिया गया है जो उनको हेल्प करेगा कि किस तरह से उनको टीम बनाना है, किस प्लेयर को किस अमाउंट के ऊपर जाकर ख़रीदना है, और ये टीम हर एक टीम दूसरी टीम के साथ में 3 दिन तक मैचेस खेलेगी, और जो 2 टीमें ज़्यादा मैचेस जीती होगी उन लोगों के बीच में फाइनल खेला जाएगा। टीम सिलेक्शन टीम के मेंबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जैसे 88 जो प्लेयर्स हैं वो अब इनका ऑप्शन 20 तारीख को होगा, और उस दिन कौन प्लेयर किस टीम के साथ में किस स्ट्रैटेजी के साथ में जाता है वो 20 तारीख को डिसाइड किया जाएगा। पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा इस भव्य आयोजन को बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में खेलें, प्ले विद लॉट्स ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हमने इसका फॉर्मेट इसी तरह से रखा है कि जो विनर है वो सिर्फ एक नहीं होगा, पूरे टीम में जो 22 लोग हैं उनमें से कुछ लोग हार भी गए तो भी वो जीतेंगे, तो जिससे एक टीम एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा और वो एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस का मैसेज पूरे शहर में जाएगा, और खुशियों के साथ में खेलें और खूब मजे करें। इसका अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, हम जितना पार्टिसिपेशन चाहते थे उससे ज़्यादा आया, तो हमको कुछ पार्टिसिपेशन लेवल के ऊपर जाकर रोकना पड़ा क्योंकि 2 टेनिस कोर्ट्स के ऊपर अभी इससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन एक्मोडेट करना पॉसिबल नहीं था, तो वंडरफुल रिस्पॉन्स है। आपका